ये ओए कौन शुरू करता अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और शुरू करता अल्लाह के नाम से जो हिम्मत ताकत और हौसला देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद फरूक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ तो है। वहाँ मेरे साथ हैं आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, साथ हैं आरिफ भाई, कैमरे पे हैं अकमल भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह आबिद भाई हमारे साथ आ चुके हैं, सब ज्वाइन कर लिया है प्रोग्राम को। तो काफ़ी मुश्किल में थे आबिद भाई, सफ़र पे थे और इनके साथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, इसलिए ज्वाइन नहीं कर सके, देर से किया। तो आबिद भाई इंशाल्लाह आ चुके हैं, वैसे ही आपको इंशाल्लाह मज़ा देंगे इस वीडियो में भी जैसे पहले आपको देते आए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं अरे भाई ना, तो जैसे ही वो बेल आइकन को दबाते हैं, आल पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन उनको जाएगा, तो उनको पता चल सकेगा कि यार उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया, हम देख सकें। तो वैसे आपको पता नहीं चल सकेगा। तो आज हम फैसलाबाद के शहर चक नंबर 14 में आए हुए हैं। तो भाई ने हमारे साथ कनेक्ट किया था कि आप आए और यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे जो मामलात हुए थे अरे भाई, वो कह रहे थे कि एक औरत और एक उनका बच्चा था छोटा सा, तो वो अकेली रहती थी यहाँ पे, ये जंगल टाइप ही बना, उसकी अपनी जमीन थी यहाँ पे। तो बच्चा बीमार हुआ, वो फौत हो गया। तो जैसे ही वक्त आबिद भाई गुजरता गया, और उनका कहना था कि वो औरत कत्ल हो गई थी। अच्छा। बच्चा पहले उसका फौत हुआ था बीमार होके, बाद में औरत का किसी ने कत्ल कर दिया था। जांच पड़ताल यहाँ की, उसको किसी ने दफना दिया, ये काफी अरसा मकान उसका खाली पड़ा रहा। तो किसी भाई ने, जो भाई ने हमें रब्ता किया था हमारे साथ, उन्होंने ये ज़मीन ख़रीद ली थी। तो मसला अब ये है कि आबिद भाई के वो मकान अभी तामीर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं हमारा मकान तामीर नहीं हो रहा, छत तक पहुँच गए, छत नहीं हो रहा, जैसे ही छत करके जाते हैं सुबह आते हैं नीचे गिरा पड़ा होता है। तो वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें वो औरत नज़र आई है, शक्ल हमें तो नज़र नहीं आती, मगर वो उसने रेड कलर का लिबास पहना होता है, बाल उसके खुले होते हैं, वो काफ़ी मरतबा हमें नज़र आई है, उस मकान के ऊपर बैठे हुए नज़र आई है और साइडों पे भी नज़र आई है। तो उन्होंने इसलिए हमारे साथ आबिद भाई रब्ता किया। तो माशाल्लाह आप ही आ चुके हैं, क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी डेंजरस है। तो जाएँगे आगे, चेक करेंगे कि क्या वाकई उसी औरत की रूह है यहाँ पर, या किसी चुड़ैल का साया है, या कोई और जन्नत में कोई और मखलूक है। तो चेक करेंगे अरे भाई आबिद भाई आगे जाके इंशाल्लाह, दुआ कर लें अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अकमल भाई आगे आ जाए। अकमल भाई जी, तो ये रास्ता आगे जाते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ा है जी। उन्होंने कहा आप आगे जाओ, हम आगे नहीं आते, हम पीछे खड़े रहेंगे, वो पीछे खड़े हैं हमारे। तो बाइक तो वो कह रहे थे कि हम उधर से यहाँ पे बाइक ले आएंगे, आपको वहाँ पे खड़ी करके हम वहाँ पे वापस चले जाएंगे। तो आबिद भाई यही रास्ता उन्होंने कहा कि आगे है, तो नज़दीक ही होगा काफ़ी, देखेंगे आगे जा। आबिद भाई यही है, यही है सामने नजर आ रहा है कमरा। अच्छा आप अकमल भाई अगर आप दिखा सको तो दरख्त की हालत देखो, कितनी ऊंचाई पे है ये दरख्त, ये सफेदा लग रहा है मुझे। हाँ, ये सफेदा कितने बड़े होते हैं यार, ये हमारी पंजाबी जबान में इसे सफेदा कहते हैं, सफेदा कहते हैं। तो ये वाइट होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये काफी हाइट देखो यार इसकी। ये तामीर हो रहा था यार, ये देखो ना, उनकी ईंटे वगैरह सामान यहीं पे पड़ा है। हाँ बाकी भाई लोग सच कह रहे थे कि यार छत नहीं होने दे रहे, ये छत है ऊपर नहीं हुआ।
अरे भाई आप पीछे दिखाओ। अरे भाई कुछ है यहाँ पे, आबादी काफी दूर दूर तक है। हैं? ये जो ये मखलूकात होती है जो यहाँ पे है वो किसी परिंदे की शक्ल में आ सकती है? आ सकती है, लेकिन वो परिंदा था, वो चीज नहीं थी। परिंदा था? परिंदे का बच्चा बैठा था। परिंदे का बच्चा यहाँ पे छोटे से सुराख में ना, वहाँ पे बैठा था। वो किसी ऐसी पैदा पैसा भी होता है कि वो एकदम से सामने बंदा आता है तो वो अटैक भी कर देते हैं, चोंच मारते हैं, जख्मी करते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो डर के उड़ गया। इन मखलूक में भी किस्में होती हैं काफी, क्योंकि कोई ताकतवर होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं। आबिद भाई ऐसे ही है ना? जी जी। तो कुत्तों की भौंकने की आवाजें शुरू हो गई हैं। अकमल भाई आगे जाओ, अबे ध्यान से यार। कौन सी? ओए अंदर से बाहर, अंदर से ना। एक मिनट, चलने की आवाज है यार। एक मिनट यार, स्टिल हो जाओ यार। हमारे अलावा ही कुछ चला है यार यहाँ पे। ध्यान करना, हमारे साथ चीजें मूविंग कर रही हैं। पत्तों की आवाज आई है ना, जैसे सूखे पत्ते पड़े हों। नहीं यार, ये नहीं थी। अभी दरवाजा खोले यहाँ पे। कैमरा आगे लेके आगे ले। अरे भाई आप बाहर खड़े हो। एक बंदा कैमरा लेके आ गया। अकमल भाई आप अंदर आ जाओ, आप आ जाओ, कोई मसला नहीं। वो पाप यार, ईंट गिरी है यार नीचे। शुक्र है बच गए हो यार, ऊपर से गिरी है आपके पीछे बिल्कुल। ध्यान करना यार, देख यार हैं यार यहाँ पे आबिद भाई। अटैक कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर, ध्यान से। वो भाई सच्चे थे यार, वो कह रहे थे यार। अरे भाई ये चीजें जो उनको, ये जानवर होते हैं ना, हो गया बिल्ली, हो गया गीदड़ वगैरह, हो गया ये चीज उनको वादा नजर आती है। ये चीज बिल्कुल वादा नजर आती है। जरा सी परछाई नजर आई तो वो भौंकना शुरू कर देंगे। मूविंग किसी किस्म की जब वो करते हैं तो वो नजर आती है भाई। यार ये कितना यार,
ऊंचे हैं यार, और इसके साथ दरख्त जो खड़े हैं, ये जंगल टाइप बना हुआ है, ये वो छोटे हैं यार। हैरान कौन चीज है बाकी। ये देखें, तहज्जुद का टाइम हो चुका है, ये देखना आप भाई, देख सकते हैं कि ये 2:30 हो चुके हैं। ये लोग तहज्जुद के लिए उठा हुआ है, क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं, हमें आता था थोड़ा मतलब बन गया था घर। क्या था है? बच्चा था ये, कुछ कंकरियां मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी चीज होगी कुछ ना कुछ असर अपना छोड़ेगी। अभी आवाज आई है, एक बच्चे की थी या औरत की आवाज थी? तो बच्चे की, थोड़ी चला रहा था ना। अब बच्चे क्या, अभी बच्चे की, पहले किसी आदमी की आवाज। यार इधर बैक साइड पे बिल्कुल वीरान जगह है यार, जसात वगैरह घर वगैरह नहीं है कोई भी। अभी भाई आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था मैंने कुछ कंकरियां उठाई हैं, ये मैं फेंक रहा हूँ अभी, कुछ जो चीज भी होगी कुछ ना कुछ अपना जो है ना अपने आप को जाहिर करवाएगी। अभी तक सामने सामने नहीं आया जो भी चीज थी। उए उए, अबे तो ये क्या हुआ है? कहाँ से बंदे? पीछे कोई आएगा? ध्यान से, ध्यान से, पीछे पीछे पीछे। यार ये दरवाजा अंदर दिखाओ यार। अरे भाई, ओए अस्तगफुरुल्लाह। कौन भाई? क्या था? क्या था? यार अरे भाई आप अंदर जाओ। बात किधर से? ये क्या है यार? पीछे देखा। ओए 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 यार, बार बार दरवाजा हिल रहा है, अंदर दिखाओ यार। अरे भाई अंदर क्यों नहीं जा रहे यार? कुछ भी नहीं होता, जाओ। ये दे, अंदर जाने ही नहीं दे रहे यार। यार आ जाओ अंदर, आ जाओ। आबिद भाई आप साथ में? भाई एहतियात से, ख्याल से, कुछ भी नहीं। अंदर तो कोई नहीं है। अकुन भाई आपने पीछे देखते रहना, ठीक है? अंदर नहीं है। अभी तो और आवाजें आ रही हैं यार। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? पीछे से रुको, अंदर से आवाज आ रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। पीछे आओ। अरे भाई आप इधर ही खड़े हो, आपने इधर ही खड़ा। ओए ये कहाँ से है? अकमल भाई आप पीछे आओ हमारे। अरे भाई आप इधर से कैप्चर कर। ये क्या है, उड़ा रहा है कोई? यहाँ पे क्या है यार? यार कुछ जानवर तो नहीं है यार? अरे भाई आप इधर यार, यहाँ पे कुछ जानवर रहता है। ओए पीछे पीछे पीछे, आबिद भाई कभी हमने गलती तो नहीं कर दी यार?
मवेशी से जानवर लग रहा है मुझे तो यार। वो देखो चलने के बाद अंदर से अंदर, ओए पीछे पीछे पीछे, डंडा वगैरह है किसी के पास? नहीं है यार, डंडा तो नहीं है। क्या हुआ? अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से अंदर कोई नहीं है। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। क्या है यार, कैसी आवाजें आ रही हैं? मुन्ना भाई आपके पीछे, आपके पीछे अंदर कोई नहीं है? हैं? कुछ भी नहीं होता यार, आप इजी ऊपर काम करो, कुछ भी नहीं। यार मुझे ये लग रहा है वो चीज आपको कतई तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो मैं ये चाहता हूँ कोई अपने आप को जाहिर करवाए वो चीज जो भी है। ये देखो कुछ चल रहा है यार, कहीं इस दरख्त के ऊपर तो नहीं निजाम है यार ये? देखो 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 इधर इधर, अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, ये बाकी यार आबिद भाई एक ही है यहाँ पे, ये एक ही चीज है और ये बहुत पावरफुल है। अगर ये चीज इतनी पावरफुल है कि फ्रुक भाई अगर आज मैं यहाँ पे ना आता तो हमारी टीम में से किसी न किसी को अपनी जान देनी पड़ती। यक मोश्त कभी वहां से कभी वहां से, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है यार। अच्छा कभी कभी बिल्कुल नजदीक से ओए पीछे यार, यार जानवर तो नहीं है यार, हैं? कभी बिल्कुल नजदीक से आते, कभी कभी दूर से आते, काफी दूर से। ये कहां से आ रही है? कमरे की बैक साइड से आ रही है, वो भाई कमरे की बैक साइड से आ रही है। यार ये फिर आवाज कहां से आ रही है यार? अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपकी इन हरकतों की वजह से हम डरने वाले नहीं है, वाले नहीं है। किधर है यार, क्या हुआ है अभी यार? सुर्ख कपड़ों में औरत थी वहां पे यार, ये क्या यार? कह रहे हो यार, टेंशन ले रहे हो, मैं आपके साथ वो यार मैंने खुद देखा, बिल्कुल किसमें देख रहे हो यार? नहीं होता, रिकॉर्ड हुआ है? हाँ इसमें रिकॉर्ड हुआ है यार, ध्यान से देख। अल्लाह अकबर, नहीं दरख्त के ऊपर थी यार, ये सामने इधर इसमें यार, यहाँ ऊपर से यार, तो रखा था यार वो देखो, ओए वो ये कैसे हो गया यार? दिखा यार, नामुमकिन है यार, ये कैसे स्टार्ट हो गया यार बाइक हमारी? यार ये तो लोहे की चीज है, इसके पास तो आ नहीं सकती यार, कोई इंसान तो नहीं है यार हमारे पास, ये मजाक वगैरह हमारे साथ कर रहा है भाई। मैंने आपको बोला है कि ये चीज बहुत पावरफुल है। क्या हुआ है? ताकि बंदे यार डरा दिया यार, वो देख यार ये, वो देख यार ये जानवर है यार, मान लो मेरी बात यार आबिद भाई। ये भी जानवर है भैया यार, ये नहीं हो सकता यार, औरत थी मेरे भाई, मैंने खुद देखा है यार उसकी बॉल। यार अकमल भाई, जी भाई।
यार हमारा सामान भी खुला पड़ा है, इधर आओ यार, वो देखो यार, वो बैग बैग हमारा देखो ना, बैग बंद किया, मैं खुद देखा है यार, मैंने बंद किया, देखा मैंने बंद पड़ा था। इलाका ऐसा है ना, बिल्कुल छोड़ दो वापस भाई, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। यार अबे भाई मैं कौन है, यार आबिद भाई वाकई यार यहाँ पे यार कैसे रह सकते हैं यार वो, तो भाई ये चीज क्या है, अल्लाह अकबर, पीछे 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 आबिद भाई यार आ जाओ यार, खुदा का नाम लो यार, कुछ भी नहीं होता यार, क्या हुआ क्या, मुझे बताओ यार। यार आबिद भाई कैमरे में तो मुझे नहीं पता रिकॉर्ड हुआ है, मगर जैसे मैं भाग के आ रहा था वो पीछे खड़ी थी हमारे यार, यार वो मैंने इतना, मुझे इतना पता चला सुर्ख कलर के कपड़े थे, ठीक है, और बाल खुले हुए जैसे, ये लोगों को माफी दे यार, बहुत बिखरे हुए बाल थे, हाँ बिल्कुल यार, मैंने सिर्फ ये और चेहरा वाजा नजर आया, चेहरा मुझे नजर थोड़ा थोड़ा था ना, थोड़ा थोड़ा है, मतलब सारा नजर नहीं आया, लेकिन यार वो पूरी खुलो, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कुछ, अकमल भाई आ यार, मैं अल्लाह खैर करेगा यार, कुछ भी नहीं होता अकमल, मैं आपके साथ हूँ, इजी हो जाओ, आपके ऊपर मैंने दायरा कड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं होता, वो आप चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अकमल भाई आ जाओ, आज अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा यार, हिम्मत नहीं हारने यार, अभी आया हूँ मैं आपके साथ, कुछ भी नहीं होता इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। भागी है यार, मैंने पहले नहीं देखा, जैसे भागे हैं, मैंने पीछे अपना सर घुमाया है, सर घुमाया, वो पीछे खड़ी थी यार बाहर, ये सीन में यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकमल ऐसे ही डर रहे थे तुम, कुछ नहीं, नहीं नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि हर भाई अंदर दिखाओ, अंदर जाओ, कुछ नहीं होता, चले जाओ, चले जाओ, नहीं है यार, आराम से चले जाओ यार। आबिद भाई मैं कह सकता हूँ कि अकमल भाई का वहम है, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसे मैं भागूं वो यहाँ पे खड़ी थी, तक तो मैंने देखा है, भाग रही थी, फिर वो पीछे आई है हमारे, इतने तक भाग के आई है, पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई है, ये हमें अभी से अंदर आए, अंदर से है, अंदर से है। अच्छा मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं एक बार क्लियर आपको कर दूं, जब से हमने शूट शुरू किया है ना, तब से वो चीज मुझे तकरीबन जो है ना 20-25 दफा नजर आ चुकी है, क्या वो चीज जो भी आपने देखी है, लेकिन पैनिक नहीं होना, कुछ भी नहीं होता, मैं आपके साथ, फरुख भाई ये दूर से हिट करेगी लेकिन नुकसान नहीं करता यार, कभी से ऐसी कोई चीज गुजरी है, मैंने खुद देखी है यार, बड़ी तेजी से गुजरी है, ख्याल करो, यार ये डिफरेंट आवाजें हैं यार, अल्लाह यार, अल्लाह अकबर, आबिद भाई, आबिद भाई पीछे आओ यार, यार ये डिफरेंट आवाज है यार, यार जैसे कुछ हो रहा है ना, ये गुस्सा करती है, मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि यार कुत्ते भौंकने लग गए हैं, ये देखो इस चीज की मैं नेचर, जब से मैं आया हूँ ना, मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, मुझे बार बार दिखाई भी दे रही है, जब तक मैं ये समझ चुका हूँ ये चीज यहाँ पे अकेले रहना चाहती है, इसे यहाँ पे चहल पहल, ये इंसानों की, इंसान की मौजूदगी से जो है, यार आबिद भाई मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, ये उसी औरत की रूह तो नहीं है, उसी औरत की रूह है,
उसको बड़ी प्लानिंग से मारा गया है, जो कत्ल हुई थी, जो कत्ल हुई थी ये चीज जब तक उसका बदला। अरे भाई ध्यान से जाना यार, ये चीज अब तक उसका बदला नहीं ना लेगी, ये सुकून से नहीं बैठेगी, इसलिए इसे किसी और इंसानों उनके अलावा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये उनके अलावा किसी और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना पहुंचाएगी, डराएगी, भगाएगी यहाँ से। वो देखो यार, ये ऐसे हरकत करेगी ताकि यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो नुकसान अकमल भाई नहीं पहुंचाएगी यार। ये आम इंसान पता नहीं हम कैसे खड़े हैं यहाँ पे, आबिद भाई कसम खुदा की कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे खड़े हैं यहाँ पे हम। अगर एक, अगर अल्लाह माफी दे, हम इतना बड़ा बोल नहीं मार रहे, अगर कोई आम इंसान यहाँ पे देखे शायद उसका हार्ट फेल हो जाए, ये जो हमने चीज देखी है यहाँ पे यार भाई। एक और आपको बात बताऊं कि जैसे मैंने वहां से निकलती यहाँ तक आई है ना, उसका कद छोटा होता गया है, उसका कद छोटा होता गया था जैसे वो। यार ये रो रहा है यार।